सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गगनजोत सिंह है। मैं डायरेक्टर ऑपरेशन अपरोल मेडिकल सेंटर। आज बड़ा ही खुशी का दिन है, साढ़े को डॉक्टर अजहर भट्ट ने ज्वाइन किया है 24 आवर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के। ये डिपार्टमेंट सिर्फ ट्रामा केसिस, एक्सीडेंट केसिस के लिए नहीं है, साढ़े एल्डरली पेशेंट के जेडे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स होंगे ने उन्होंने भी इतने इलाज इमीडिएट असी उन्होंने प्रोवाइड कर जा रहे हैं, जिहड़ा कि गुरदासपुर शहर के साडे अपने शहर के लिए एक बहुत वड्डा गुण साबित होएगा। साडे पेशेंट्स नूं इमीडिएटली इलाज, न्यूरो का इलाज, ब्रेन का इलाज, माइग्रेन का इलाज, स्पाइन का इलाज तुहाडे अपने शहर गुरदासपुर विच अवेलेबल कराने ते सारे शहर वासियों नूं मैं बहुत बहुत मुबारक दिंदा, क्योंकि इन्हां दे ही सपोर्ट के सदके अज पॉसीबल हो पाया। तो रिक्वेस्ट है, कभी भी साडी लोड पैंदी है, डॉक्टर अजहर भट्ट न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के 24/7 इत्थे अवेलेबल रहिंदे ने, इमीडिएट इलाज की असी तुहानू गरंटी दिंदे आ, वह भी बहुत ही किफायती रेटां दे विच। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर अजहर खालिद भट्ट, एम्स न्यूरोसर्जन, यहाँ मैंने ज्वाइन किया है। ये अबरवाल मेडिकल सेंटर जो गुरदासपुर में है, एक बहुत अच्छा सेंटर है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल ऑलरेडी थी, पर कुछ चीज़ों जो लाइक न्यूरोसर्जरी जो ट्रॉमा कॉमनली आता है हर जगह, और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारे यहाँ इंडिया में भी सेम है, एक्सीडेंट ही मोस्ट कॉमन है जिसमें नौजवान ज़्यादा पेशेंट होते हैं जो एक्सीडेंट में घायल होते हैं। इन पेशेंटों को हॉस्पिटल लेने में जो टाइम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा हो उसमें जो सर का ट्रॉमा होता है, सर और कमर, सर का ट्रॉमा जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और जिसका इलाज जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होता है, उतने अच्छे पेशेंट के आउटकम भी होती है। कोई ट्रॉमा जिसको सर में ब्लड जमा हो, जिसको हम EDH बोलते हैं, वो सर्जिकल इमरजेंसी होती है, उसका अगर पेशेंट विद इन 1 आवर हॉस्पिटल पहुंचता है उसका आउटकम 100% होता है। डेट मीन पेशेंट जो ही हॉस्पिटल पर EDH, उसको CT करने के बाद पता चला कि ब्लड है, अगर वो ऑपरेट टाइम पे हो गया तो 100% है वो पेशेंट वापस दूसरे दिन घर जा सकता है। लेकिन अगर उसमें 2 घंटे लेट हो गए, अगर पेशेंट को डिले हो गया तो वही पेशेंट मर सकता है कि जो पेशेंट बच सकता था। ऐसे ही क्योंकि सर में जितनी भी चोटें हैं उनको जितना जल्दी ऑपरेट या जितनी जल्दी इलाज स्टार्ट होगा उतना वो अच्छा रहता है पेशेंट के लिए, आउटकम के लिए। तो क्योंकि ये गुरदासपुर में पेरिफ्री पे है, यहाँ पे हाईवे है, जितने भी एक्सीडेंट होंगे जो उनको जल्दी यहाँ हॉस्पिटल में इलाज पहुँच सकता है। क्योंकि अगर पेशेंट को हम दूसरी जगह लेते थे नॉर्मली अमृतसर, उसमें टाइम लगता था, वो टाइम इंपॉर्टेंट है, जितना गोल्डन आवर्स हम बोलते हैं न्यूरोट्रोमा में, जो ही पेशेंट चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे लड़ाई की वजह से हो, किसी दरख्त से गिरे, सर में चोट होना ये तो कॉमन है, लेकिन उसको इतना इलाज कितनी जल्दी स्टार्ट होगा उससे डिपेंड करता है उसका आउटकम। सो एनी पेशेंट जो ट्रॉमा करके जितना जल्दी हॉस्पिटल में, विद इन हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, विद इन 1 to 3 hours, मगर 1 hour इज द बेस्ट टाइम। अगर वो आ गया हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ और उसको ऑपरेट हुआ टाइम पे तो उसका आउटकम अच्छा है, डैट मीन्स वो फिर वापस वैसे ही हो सकता है जैसा वो पहले था। लेकिन जितना डिले होता है उतना कोमॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, किसी की वीकनेस रहती है, कोई फिर बात नहीं कर पाता है, बच सकते हैं लेकिन वो डिले होता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, और इससे एज ए न्यूरोसर्जन मैं 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल रहूँगा, चाहे कोई हेड ट्रॉमा हो, हेड ट्रॉमा के बगैर, ट्रॉमा के बगैर भी कोई जिसको सीजर होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसका इलाज होगा, ट्यूमर हो सकता है उसका इलाज होगा, यहाँ स्पाइनल कार्ड इंजरी होती है, डिस्क होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है, सब चीज़ें जो ब्रेन और कमर जो भी बीमारी है उसका इलाज यहाँ पे होगा, और वो भी आपके डिस्टेंस मानो यहीं रहते हो 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे अवेलेबल होगा, और 24 आवर अवेलेबल होगा। 24 घंटे अब यहाँ पर रहेंगे जी, मैं 24। इससे पहले आप कहाँ पर, आपकी जो सर्विस थी या एक्सपीरियंस कहाँ से था? मैं था पहले शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट श्रीनगर में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने 3 साल दिए हैं, तो वहाँ से अब मैं यहाँ आया हूँ। तो आपने बेस्ट सर्विस, मतलब कितनी सर्विस कर चुके हैं? मैंने लास्ट 3 साल में बोलता हूँ, 3 साल में मैंने 1100 से ज़्यादा सर्जरी की है, मेनली यही न्यूरोट्रॉमा।
तो इसमें 3 साल में 1000 से ज़्यादा बहुत होता है, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था श्रीनगर में वो टेरिशरी केयर एक ही सेंटर था मेनली जहाँ ट्रॉमा आता था, तो वहाँ मैंने 1000 से ज़्यादा किया है 3 साल में। तो हाँ, तो स्पाइनल भी आते हैं, अगर कमर का ट्रॉमा भी हो वो भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, दोनों, चाहे सर कमर या नशे जो जो भी हो उसका इलाज यहाँ पे होगा।